तो फेल की फैमिली स्टोन एज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये फार क्राई प्राइमल का दूसरा एपिसोड। और इन केस मेरे भाई आपने इसका फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया तो टेंशन की बात नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया तो उसको देख लेना, ताकि यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले या यहाँ तक की जितनी भी कहानी है वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो ये कहानी है 10,000 साल पहले की, जब एक ग्रुप होता था जिसका नाम था विंजा। और ये विंजा ग्रुप के लोग ऐसी जमीन की तलाश में थे जहाँ पर ये अपना जीवन आराम से बिता सके। तो इनकी ये तलाश खत्म हुई उरुस की जमीन पर पहुंचकर, और कुछ टाइम तो इनकी जिंदगी अच्छे से चलती रही। लेकिन उसके बाद आए नरभक्षी उदम वॉरियर्स और आग को कंट्रोल करने वाले इजीला वॉरियर्स, और इन दोनों योद्धाओं के ग्रुप ने मिलकर विंजा वॉरियर्स को उनके घर से मार के निकाल दिया। और ये जो विंजा ग्रुप के लोग भटक गए इधर उधर, वो उरुस की जमीन की तलाश में अभी भी है। और ऐसे ही इनके ग्रुप का एक आदमी जो कि इस गेम का हीरो है जिसका नाम टकार है, वो अपने विंजा ग्रुप के लोगों को खोजते हुए उरुस की जमीन पे फाइनली पहुंच गया। लेकिन अभी भी इस जमीन पर उदम के योद्धाओं ने आतंक मचा के रखा हुआ है। पर ये जो टकार है ये कोई आम आदमी नहीं, क्योंकि इसके पास ऐसी पावर है कि ये किसी भी जानवर को अपने कंट्रोल में कर सकता है। और इस ताकत के बारे में टकार को वेंजा के एक बाबा ने जिनका नाम टेंसे उन्होंने बताया है। और टकार ने लास्ट एपिसोड में उल्लू को तो काबू में कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि एक भेड़ियों को काबू में करके दिखाओ। तो खाने पीने का आराम से लेके बैठ जाओ, फेल आर्मी आज का एपिसोड स्टार्ट होने जा रहा है। और जब तक ये एपिसोड स्टार्ट हो रहा है भाई, आपको कुछ नहीं करना है, बस 7 के लाइक जल्दी से कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद मैं भी कसम से जल्दी जल्दी इसके एपिसोड्स लाता रहूंगा। स्टार्ट किया जाए। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज का जो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सफेद भेड़िया है जो कि भेड़ियों के ग्रुप का लीडर है और उसको अपने काबू में करना है ताकि वो मेरी बात सुने। तो बस इतना ही करना है। अच्छा, टकार अपने उल्लू को बड़ा मस्त बुलाता है भाई, ऐसे ऊ करके, सही है। तो उल्लू से आगे के एरिया को सर्वे करना है कि कोई खतरनाक जानवर नहीं है ना। नहीं, ऐसा तो कोई जानवर नजर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, उल्लू से मैं बॉम्ब्स भी गिरा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी वो एबिलिटी नहीं है। तो आई थिंक कि आगे जब जाकर स्किल्स अनलॉक होंगे ना, तब वो सब कर पाऊंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और जो भेड़ियों को काबू में करना है वो दिखा रहा है कि कहां पर है, ज्यादा दूर नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, ये लास्ट एपिसोड में पता चल गया कि ये जंगल इतना खतरनाक है ना भाई, कहीं से भी कोई भी जानवर या फिर वो जो नरभक्षी है उदम वॉरियर्स, वो हमला कर सकते हैं, इसलिए इधर उधर भी देखते चलना है। हाँ नहीं नहीं, मैं यूबीसॉफ्ट की बहुत बुराई करता हूँ कि वो लोग गेम को रिपीटेटिव बनाते हैं, लेकिन ये वाला गेम मुझे बहुत अलग लग रहा है। आई होप कि आगे जाकर कुछ एक ही जैसा काम नहीं करना पड़े बार बार, अभी तो फिलहाल नया नया चीज करना पड़ रहा है। पहले उल्लू को काबू में किया और अब एक भेड़ियों को काबू में करना है। उदम वॉरियर्स, आई सर्व यू। तो टकार का ऐसा कहना है कि उदम वॉरियर्स भेड़िए का शिकार कर रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना पड़ेगा। ऐसे देखा जाए तो मैं भी भेड़ियों का शिकार तो करता ही हूँ, लेकिन उदम वॉरियर्स अपने मजे के लिए शिकार कर रहे हैं, मैं अपने सर्वाइवल के लिए शिकार करता हूँ। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने उल्लू से आगे चेक करना है कि कितने सारे उदम वॉरियर्स हैं। ठीक है, तार, उदम वंतार। तो ये उदम के जो हंटर्स है वो दिख गए। अच्छा, तीन ही है, मैं तीन से क्या डरना। लेकिन ठीक है, चलो कोशिश करेंगे कि साइलेंटली टेक डाउन कर सके। ऐसे तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो साइलेंटली मारना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, अभी तो मेरे पास बहुत ही आम से हथियार है ना, लेकिन फार क्राई का गेम में तो ऑब्वियसली आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे हथियार मिलेंगे। पर कोई नहीं, चलो अभी जो है उसे काम चलाते हैं। कोई मुझे देख रहा है भाई, ज्यादा मत देख। अच्छा, ये बात तो आप लोग तो जान ही रहे हो कि साइलेंटली मारने का भाई अपना पुराना फंडा, झाड़ियों में छुप जाओ। और पता नहीं झाड़ियों में छुप के लोग इनविजिबल कैसे हो जाते हैं। तो चलो इनके गेम बजाते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। भाई कुछ भी बोलो, ये सही था, मतलब तीर से तो लगा ही लगा, साथ में आग भी लगी उसको। तो इन तीनों को मारने का ऑब्जेक्टिव दिया गया था, जो कि मैंने पूरा कर दिया। अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? हाँ, पूरा हो गया है। तो मुझे अपना वेपन व्हील खोल के, अच्छा अच्छा अच्छा, वो बेड बनाना है। तो जो सफेद वुल्फ को मुझे काबू करना है, आई थिंक कि उसके लिए पहले चारा क्रिएट करना होगा, ताकि मैं उसको चारा डाल सकूं और वो खाते रहेगा। तब मैं पता नहीं काबू कैसे करना है, लेकिन हाँ, चारे को डालने के बाद ही मैं उसको काबू कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो इतने इतने जो मैंने मीट्स कलेक्ट किए ना उसका पेट बना लिया मैंने। अब ऑब्वियसली भाई भेड़िए के लिए चारा बनाएंगे तो घास फूस का चारा तो नहीं ना बनाएंगे। अच्छा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मुझे मिला है कि हंटर विजन यूज करके ये देखना है, खून के निशान को फॉलो करना है, ठीक है, और भेड़िए के गुफा तक जाना है। क्यों भेड़िए की गुफा तक क्यों जाना है, बाहर नहीं मिल सकता था मुझे। और ये याद रखना कि ये जो भेड़िया है वो भेड़ियों का लीडर है, यानी कि उसके आसपास बहुत सारे भेड़िए होंगे उसको बचाने के लिए। मतलब मैं उसको मारने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उन भेड़ियों को थोड़ी पता कि मैं अच्छे के लिए आ रहा हूँ, तो वो मुझे देखते के साथ मारेंगे। लाश पूरी। अच्छा जिस भेड़ियों को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके पंजे पे खून के निशान है, तो इसी खूनी पंजे को मैं फॉलो करते रहूंगा ना तो उसकी गुफा तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये मैप में ऐसे करके कुछ बैग टाइप का बना रहा है ना, तो आसपास देख लेना है, पेड़ पे ऐसे बैग लटके रहते हैं और उसके अंदर अपने को कुछ कुछ सामान मिल जाता है, तो तोड़ के बस सामान ले लेना है। वाल शांति। तो टकार का कहना है कि भेड़िया आसपास, ये मुझे लगता है कि वही है क्या, सफेद भेड़िया तो वही लग रहा है, और आसपास से बहुत सारे भेड़ियों की आवाज भी आ रही है। एक काम करते हैं उल्लू से चेक करवा लेते हैं उस भेड़िये को, वही है। अरे कोई मार रहा है मुझे, मैं जान रहा था कि आसपास बहुत सारे भेड़िए भरे होंगे, सफेद भेड़िया यही लग रहा है, लेकिन इसको मार्क करवा लेना ज्यादा बेटर है। लाओ ग्वाल। तो भेड़ियों का लीडर मिल तो गया है, लेकिन इसको टीम कैसे करना है ये मुझे देखना होगा। बेट बना लिया मैंने, ठीक है, और बेट फिक। अच्छा भालू को भी कंट्रोल कर सकते हैं आगे जाकर, ये भले अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन फोटो में दिखाया है, यानी कि कर सकते हैं आगे जाकर, बहुत बढ़िया। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो चारा बनाया ना उसके सामने डाल देना और वो जब खाते रहेगा तो मुझे धीरे धीरे उसके पास जाना है और उसके बाद उसको टेम करना है, ठीक है। थोड़ा रिस्की लग रहा है लेकिन यही करना है। तो ऐसा है ना भेड़ियों के लीडर प्लीज, ये क्या कर रहा है। अच्छा ये अपना शिकार विकार करने में बिजी है, बकरी को मार के खा रहा है। ले ले तेरे लिए चारा लाया हूं मैं। तो इससे पहले इसका चारा खत्म हो जाए जल्दी से जाके इसको टीम करना है। भाई मारना मत मुझे यार। हाय ग्वाल दमनाश मार्ग। एक मिनट मुझे लगा था कि मारेगा थोड़ा हमला वमला करेगा, लेकिन ये तो बड़ा आसान था भाई, ये मेरे काबू में आ गया है। हाँ मुझे मार तो नहीं रहा है, मेरे काबू में आ गया, बहुत बढ़िया। ओ भाई सब ये क्या है, बीस्ट को मैं कमांड भी दे सकता हूँ, मतलब कहीं पर भी उससे हमला करवा सकता हूँ, माँ कसम। और ये देख रहे हो सेबर टूथ को जिसने स्टार्टिंग में अटैक नहीं किया था, अगर यहाँ फोटो में दिखाया जा रहा है यानी कि बाद में आगे जाकर मैं उसको भी काबू कर सकता हूँ, ओके। और मेरे टीम के भी जानवर अगर मर गए तो उन्हें मैं रिवाइव कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये कितना सही चीज लिखा हुआ है कि जब मैं क्राउच करके घूमूंगा ना तो मेरा जो भी बीस्ट रहेगा मेरे साथ वो भी जाके कहीं पे छुप जाएगा। भाई 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 अब ना यहाँ से मजा आएगा। तो मेरा भी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि उदम वॉरियर्स को मारना है और अपने बीस्ट को बोलना है कि भाई ओ मैं इसको पेट भी कर सकता हूँ। थंबनेल मिल गया मुझे, तो जहां पर मुझे बताया जा रहा है ना वहां जाना है और अपने बीस्ट को कमांड करना है कि उद्यम वॉरियर्स पे वो हमला करे। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है, मजा आने वाला है। ओ भाई 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 जबरदस्त, एक बार में काम तमाम कर दिया, लेकिन मेरी भेड़ियों को कोई मार रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पेट को मारेगा। अच्छा अच्छा अटैक करने के लिए बोलने के बाद अगर अपने बीस्ट को बुलाना है तो कैसे बुलाना है ये पता चल गया है। और बी दबाकर बीस्ट मेन्यू खोलकर मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से जानवर को अभी मैं टेम कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट लाइन में जितने बीस्ट है ना इन सबको मैं अभी टेम कर सकता हूँ, ओके। और एक चीज देख रहे हो कि मैमथ को छोड़कर जितने भी बीस्ट है इस उरूस की जमीन पर सबको टेम किया जा सकता है, फिर वो लायन हो टाइगर हो कैसा भी हो, भाई मजा आने वाला है पता है। तो टीन से पापा ने बोला था कि व्हाइट वुल्फ को कंट्रोल में कर लो, कर लिया है, अब क्या करना है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। एक सेकंड मेरे भेड़िए के सर पे चोट लगी हुई है या ये कोई ग्लिच कर गया, समझ में नहीं आ रहा है।
अच्छा, फास्ट ट्रैवल करना मुझे सिखा रहे, जो कि लास्ट एपिसोड में आई थिंक हम लोग कर चुके हैं फास्ट ट्रैवल, या नहीं किया था? कोई बात नहीं, अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पहले ये देखना है। मेरे साथ ही घूमते रहेगा ना मेरा बीस्ट? अच्छा, जब तक मेन ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, एक काम करते हैं, थोड़ा शिकार विकार करते हैं, क्या बोलते हो? और जब मेरे पास भेड़िया है तो मैं मेहनत क्यों करूं भाई, भेड़ियों को बोलता हूं जाके अटैक करें। मैं सोच रहा हूं कि मेरे पालतू भेड़िया कुछ नाम रखा जाए। ये मैमथ कहां से आ गया भाई साहब? भाई, मेरे भेड़िया को भाई मार दिया मैमथ ने, उसको रिवाइव करना होगा, लेकिन पहले इन मैमथ को हटाना होगा यहां से, इनको डरा के भगाता हूं वरना ये मुझे भी मार देंगे। निकलो यहां से, निकलो, भेड़ियों को जिंदा करना होगा। अब मैं समझ रहा हूं कि इस गेम ने मैमथ को कंट्रोल करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया है। हो सकता है कि आगे जाकर दें, लेकिन अभी नहीं दिया जानबूझकर, क्योंकि अगर मुझे मैमथ मिल गया फिर तो और कुछ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे जानवरों की और सारे इंसानों की बैंड बजा देंगे मैमथ। चुपचाप से यहाँ ए भेड़िए, चल साइड से निकल जाते भाई यहाँ से, क्योंकि मैमथ की अगर सटकी तो फिर वो लोग आके बैंड बजा देंगे। अच्छा, ये मैप में हरा दिखे ना, यानी कि विंजा के लोग फाइट कर रहे हैं, इनकी मदद कर देता हूँ। ये जो सियार या जंगली कुत्ते पता नहीं जो भी है, इनको भी टकार टेम कर सकता है, पर अभी देख रहा हूं अभी हमला कर रहे हैं तो अभी तो टेम नहीं किया जा सकता। ये क्या है, रात बहुत खतरनाक है ये तो पता ही है, और रात में ज्यादा खतरनाक जानवर निकलते हैं शिकार करने के लिए, तो रात में निकलने पे खतरा ज्यादा होगा, लेकिन इनाम भी अच्छे अच्छे मिलेंगे रात में निकलने पर। अच्छा देख रहे भाई, एक भेड़ियों को क्या काबू में कर लिया, मेरा तो आधे ज्यादा काम आसान हो गया है, अब शिकार करने के लिए मैं मेहनत क्यों करूंगा। सही है, तो आई थिंक कि पूरी तरीके से रात हो चुकी है ना, तो मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अभी तक आया नहीं। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैप खोल के देखते, उसमें दिखा रहा होगा कि कहां पर है मेन ऑब्जेक्ट। ये देख लो, ओ भाई साइला से मिलना था। अच्छा तो यहां पर फास्ट ट्रैवल कर ही सकते हैं डायरेक्ट, मैं मेन ऑब्जेक्टिव से भटका ही इसीलिए क्योंकि मेरे साथ जो भेड़िया आ गया ना, मैं इससे शिकार करवाने में बिजी हो गया, पर कोई बात नहीं, साइला से बात करते हैं, और वो बाबा भी यहां पर आ गए हैं, टेंसे बाबा, तो उनसे भी बात करेंगे, उनका भी मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन पहले इससे बात कर लेते हैं। स्मार्क का कथा कर Guar tichas kamanchlausarsh, machi winja guamarsh, aguapati pacharsh, aish kauha damshamas, ulash waishwaida, winja cha tichaya. तो साइला टकार से कह रही है कि सारे बीस तुम्हारा कमांड मानते हैं, तुम जो बोलते हो वो सुनते हैं, तो तुम्हारे बारे में सुनकर जो इधर उधर विंजा लोग फैले हुए हैं ना, वो यहाँ पर आके रहने लगेंगे, और इसलिए यहाँ गांव में हमें और भी सारे घर बनाने होंगे ताकि उनका भी रहने का बंदोबस्त हो सके, और एक बार बहुत सारे यहाँ पर विंजा के लोग रहने लगे तो हम सबको जाकर बोल सकते हैं कि यहाँ विंजा के लोग रहते हैं। तो कुल मिला के बात ये है ना कि जो मैं रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ ना, जैसे लकड़ी ये सब जो भी, तो उन सब की मदद से मुझे झोपड़ियों को अपग्रेड करना है, ज्यादा ज्यादा झोपड़ी बनाना है ताकि मेरा गांव बड़ा हो सके और उसमें ज्यादा ज्यादा विंजा के लोग रह पाएं। चलो अच्छा है तो अपग्रेड करते हैं, और ये काम करने से नए स्किल्स भी अनलॉक होंगे। तो साइला की झोपड़ी अपग्रेड कर दी और वो काफी खुश हुई ये देखकर। अच्छा साइला की झोपड़ी में आके अलग अलग मिशन ले सकते हैं जिससे गैदरर स्किल्स अनलॉक होगा, और ये बहुत अलग अलग टाइप का खाने का भी सामान देगी जिसका यूज कर सकते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए। ठीक है, ये सब बाद में देखा जाएगा। अच्छा लास्ट एपिसोड से बहुत सारे स्किल्स अनलॉक हो रहे हैं जो कि मैंने लिए नहीं अभी तक, एक बार बाबा से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये सब स्किल्स देखा जाएगा, क्या बोलते हो? टेंसे बाबा देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। Shrash, shrash, bau shaugas, winja yisu dijam, ma samquai dausa. Ah, daiwa damshi, haklapi shayu kwa yaka.
तो तिनसी का कहना है कि नहीं नहीं बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। एक ऐसी पवित्र झोपड़ी बनानी पड़ेगी जहाँ पर लोगों के चमड़े और आत्मा में जो जख्म लगे उनका इलाज किया जा सके। तो इनके लिए एक झोपड़ी बनानी है। ऐसे बोलो ना बाबा, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो? इतने इतने जो मैंने सामान कलेक्ट किए थे सब लग गए इनकी झोपड़ी अपग्रेड करने में। अजय शामन स्किल्स अनलॉक हो गए इनकी झोपड़ी अपग्रेड करने से, और अब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे साइला से जाके बात करना है। ठीक है, अच्छा चलो, अभी तो मेरे पास एक ही बीस्ट है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा बहुत सारे बीस्ट मैं काबू कर लूंगा। तो उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं बना सकता हूँ मैं गाँव में, क्योंकि मेरा भेड़िया यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं ना, स्किल्स देख ही लेते हैं। बहुत सारे स्किल पॉइंट मिले, चार है मेरे पास, क्या लिया जाए? अच्छा ये स्किल लेने से लेपर्ड जैगुआर लायंस को टीम कर सकता हूँ मैं, यही लेते हैं फिर। इसके बाद ना मुझे सर्वाइवल स्किल चाहिए ताकि मेरी हेल्थ वेल्थ बढ़े भाई। तो ये स्किल से 2 हेल्थ बार से 3 हेल्थ बार हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक स्किल पॉइंट और है लेकिन उसको बचा के रखते हैं, बाद में काम आएगा। तो अभी मुझे साइला से बात करना है। देख रहे हो, पहले कोई नहीं था, सिर्फ साइला रहती थी यहाँ पर। टकार के आने के बाद लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा है, धीरे धीरे करके वेंजा के जो भी लोग भटक गए इधर उधर सबको यहाँ पर लेकर आना है। ये साइला को भी अजीब ही शौक है, मरे हुए उदम वॉरियर्स का कान काट के रखती है। उदम शायर गुआमा द्वायम। साइला को एक उदम वॉरियर का गधा मिला था, इसने दे दिया है टकार को, और ये बोल रही है कि लगता है कि कल उदम वॉरियर्स आएंगे। तू साई आरशी टचिस लहा मलशता गुआरपति। तो साइला को फुल कॉन्फिडेंस है कि बीस्ट मास्टर यानी कि टकार उदम वॉरियर्स को अपने हथियार से कुचल के रख देगा। और ये बोल रही थी कि तुम्हारे आने से पहले ना मैं गुफा में अकेले छुप के रहती थी, लेकिन मैं अब अपने लोगों के साथ बाहर आराम से घूम पाती हूँ। और तुम देखना टकार, और भी वेंजा के लोग धीरे धीरे आएंगे हमारे गाँव में। तो टकार ने बोला कि हाँ साइला, वो तुम्हारा घर ज्वाइन कर रहे हैं। तो साइला ने बोला नहीं, ये लोग यहाँ पर बीस्ट मास्टर यानी कि तुम्हें देखने आ रहे हैं, और ऐसे ही करके और लोग आते रहेंगे। अजय साइला ने लास्ट एपिसोड में बताया था कि उदम वॉरियर्स का एक लीडर है उल, अगर उसको मार दिया तो वो लोग ऐसे ही हार जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नजर नहीं आया है। अच्छा अच्छा, ये सारे इनाम है मेरे बैग में रखे हुए हैं, तो जो भी मेरे पास फुल नहीं है ना उसको मैं फुल कर लेता हूँ, बाद में काम आएगा। अच्छा सब सामान का यूज नीचे लिखा हुआ है, अगर आपको पॉज करके पढ़ना होगा पढ़ लेना, ऐसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जब क्राफ्ट करेंगे तो वहां पे तो लिखा ही रहता है कि कौन सा सामान किस काम आता है। पता नहीं क्या क्या पत्तियां उठा ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो काम आती होंगी। क्या है, बीस्ट को रिवाइव करने के लिए कुछ पत्तियां हैं। ठीक है, तो अभी फिर से ऑब्जेक्टिव मिला है कि साइला से जाके बात करना है। वाह वाह वाह, 1.5-2 घंटा निकल गया है और अब जाके मेले कॉम्बेट मुझे सिखा रहे हैं। तो जो गदा यानी कि क्लब है मेरे पास, उससे पावरफुल अटैक किया जा सकता है। एक हथियार दिया था ना साइला ने, उसको यूज करेंगे। लगता है उदम वॉरियर्स आ रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब ये कौन है? माय मर्चा सर विंजा माना ऊलाइक्वा शूचा मारिचा। भाई इसने तो धूल चटा दी टकार को। तो इसकी पर्सनालिटी से लग रहा है या तो ये लीडर है या फिर लीडर का राइट हैंड मैन है। फल हुदा फल हुआस मस
नु थकर मसी हयाउदा। तो वो उदम वॉरियर पीटने से पहले बोल के गया है कि तुम सारे वेंजा नरम खून के हो, यहाँ से निकल जाओ या फिर सबके सब मरोगे, और अपने आदमियों को बोलते हुए गया है कि सबको मार दो। पसाइला ने वेंजा के लोगों को हिम्मत दी कि टकार हमारे साथ और टकार का बीज भी हमारे साथ फाइट करेगा, तो उदम के लोगों को रोकना है और अपने गाँव को बचाना है। अच्छा, अपनी हेल्थ पे तो ध्यान देना ही, अपने बीस्ट की हेल्थ पे भी ध्यान देना, ऐसा नहीं हो कि फाइट के दौरान वो मर जाए। ये जो उद्धम की योद्धा है ये तो फालतू है, लेकिन वो जो आया था भाई आधा मुंह वाला आदमी, खतरनाक था यार वो। अच्छा, उदम वॉरियर्स दूसरा गेट तोड़ के अंदर आ गए हैं। आज ही मनहूस लोग मर ही के मानेंगे। मेरे पालतू भेड़िए खा के चार ले जाए, क्योंकि और आदमियों को मारना है, मार इसको। अच्छा, ये लास्ट एपिसोड में देखा था ना, आप समझ में आया ये यहाँ पर क्यों लगा हुआ है? ये तोड़ के इनके सर पे गिराने के काम आया। मर गए सारे, नहीं कोई बचा हुआ है जो कि अंदर ही है। ये योद्धाओं के बीच में कोई ना कोई ना ऐसा 3-5 वाला आदमी रहता है, जहर मार के चला गया। अजीब मनहूस आदमी है। अजब, मेरा भेड़िया भी जहर के बीच में खड़ा हुआ है। आ जा आ जा, बाहर आ जा, एक और आदमी बचा हुआ है। तो दम की जिन लोगों ने हमला किया था, आई थिंक सारे लोगों को मार दिया है। साइलेंस से जाके बात करना है इस बारे में, लेकिन यहाँ पर 3-4 आदमी मरे हुए, पहले उनको लूट लेते हैं और भेड़िए को कुछ ना खिला देते हैं। नी, नी। ये तो भाई फालतू वॉरियर्स थे, वो जो आया था ना उससे लड़ना है मुझे। वो हो सकता है कि सेनापति हो उद्धम वॉरियर्स का। चलो साइलेंस से बात करते हैं। उदम शांति आती वो हाई आताकर साइक मारवा हुआना वो अर्श शाज़दरवा गुईजर वो विंजा दुआयाई। तो साइलेंस कहना है कि उद्धम के लोग अभी भी आसपास से टकर, तुम जाओ और उनको मारो और उनके जो बोन ट्रीज है ना उनको डिस्ट्रॉय कर दो, और उनको ऐसी मौत मारो ना कि वो भी वेंजा के लोगों से डरने लगे। ठीक है, जब साइलेंस ने बोल दिया तो चलो ये उद्धम के लोगों को ढूंढ के मारा जाए। कोई स्किल अपग्रेड कर सकते हैं क्या? एक ही पॉइंट है मेरे पास, लुक अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन मैं ना ये बीस्ट वाला टेम करने के लिए स्किल बचा के रख रहा हूँ। छोड़ो हटाओ, तो उदम के लोगों ने अपना कैंप बना के रखा, वहां पर कैंप तक पहुंचना है और उनकी वाट लगानी है। पर रास्ते में ना कुछ शिकार भी कर लेते, क्योंकि मेरे पास मीट की कमी हो गई है, और अपने भेड़ियों को क्या खिलाऊंगा? भेड़िए क्या किसका शिकार करेंगे क्या? ये शिकार करने के लिए भेड़िया को ज्यादा ही दूर नहीं निकल गया। हाँ हाँ, कर लिया, तेरे लिए मीट निकाल रहा हूं, रुक जा। उहारा। अच्छा, मुझे एक और चीज जानना है कि अगर मेरे साथ ये वाला भेड़िया घूमते रहेगा तो दूसरे जो भेड़िए हैं वो मुझ पे हमला करेंगे, पर ये बाकी भेड़ियों का लीडर था ना, तो हो सकता है कि ये साथ में रहे तो शायद बाकी इस टाइप के भेड़िया हमला ना करें।
भाई जंगल इतना अच्छा बनाया है, जरूरी है कि हर जगह से कोई ना कोई हमला करे। देखो मैप पे एक दुश्मन घूम ही रहा है, अब वो वॉरियर है या फिर कोई पता नहीं जानवर है, आई डोंट नो। अपने को जाना है कैंप तक, बस इधर उधर देखते हुए सेफली जाना है। ये मारने के बाद भेड़िया को ज्यादा ही टशन नहीं देता है, बहुत बढ़िया। बस एक आध लायन मुझे दिख जाए, उसको काबू में कर लिया, फिर उसी को लेकर घूमूंगा मैं, क्या बोलते हो? तूशी। बस मुझे नजर खुली रखनी है, लायन जैगवार कोई भी नजर आए ना उसके सामने बस वेट फेंक देना है और वो खाते रहेगा, उसको टेम कर लेना है। बताओ इतना बड़ा भेड़िया साथ में लेके घूम रहा हूँ और ये छोटे सियार और जंगली कुत्ते भी मेरे ऊपर आके भौंकेंगे तो फिर क्या फायदा? यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है, इन लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे अपने वेंजाई के लोग हैं। जाने दो भाई, अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, ये लोग संभाल लेंगे। ए भाई तुम लोग भी आ जाना वहां तक। लेकिन ये बात है कि म्यूजिक भी काफी फील के साथ बनाया है, पूरा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भाई कांड होने वाला है। तो उद्धम की योद्धाओं के कैंप तक पहुंच गए और नीचे एक आध आदमी दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरा काम है कि उद्धम की कैंप पे पहुंच के उनके लोगों को मारना है और उनकी जो बोन ट्री है उसको तोड़ना है। अच्छा ये सही है, पत्थर फेंक के मैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्या जरूरत है? अभी ये लोग इतने खतरनाक नहीं है कि स्टेल्थ का सहारा लेना पड़े इनको मारने के लिए। अच्छा ये नरभक्षी उद्धम वॉरियर्स ने हड्डियों का पेड़ बना के रखा है, मुझे ये नहीं जानना है कि ये किसकी हड्डियां है, जानवर की या फिर इंसानों की। अच्छा अच्छा टकार अकेले तो नहीं आया, मेरे दो तीन लोग भी आए, तो वो लोग बाहर क्यों वेट कर रहे हैं? आके मारो ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ये उद्धम वॉरियर्स भी अजीब ही है भाई, बस चिल्लाते रहोगे या मारोगे भी? तो इनकी दो हड्डियों का पेड़ गिरा दिया है, एक और बचा हुआ है। भेड़िया पता नहीं कहां अटक गया, उसको तब से बोले जा रहा हूं मार मार मार, कहां गया है पता नहीं। और जब मैप पे एक और आदमी दिख रहा है उसको मारते हैं, उसके बाद खत्म ही है। और इनकी हड्डियों का एक और पेड़ तोड़ना है, वो भी काम है। तो आई थिंक उद्धम वॉरियर्स तो खत्म हो गए, लेकिन इनकी हड्डियों का पेड़ अभी बचा हुआ है, तो एक और बचा हुआ उसको तोड़ते हैं, खत्म है काम यहाँ पर। अच्छा अच्छा अभी भी उद्धम वॉरियर्स बचे हुए हैं, कहां पर है देखें? अरे ऊपर चढ़ जाना, क्या कर रहा है टकार?
एक तो मेरा बीस्ट कहाँ है तू भाई? तेरे को इतना खिला पिला के लाया था यहाँ पे मदद करने के लिए, पता नहीं कहाँ पे टाइम पास कर रहा है, वो दिखाई नहीं मुझे। तो अब तो मैप में भी कोई नहीं दिख रहा, अभी भी कोई बचा हुआ है। तो ये लोग ना वहां पर तीर चला रहे, लगता है कि कोई बचा हुआ है वहां पर, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं, तो उद्धम का जो भी लास्ट आदमी था इन लोगों ने मार दिया, अच्छा ही क्या। और अब टकार वापस से गांव जा रहा है, साइले को ये बता देते हैं कि जैसा उसने चाहा वैसा हो गया, और ये लोग भी अब वेंजा के लोगों से डरेंगे। उदम ग्वांटा, उदम मारी, उल अतिक्वाइफा, अप्पा, लाइवम हाया, शाजा, पल हु विंज मारिर्स, शाजा, पल हु उदम मारी। Winja Baltasha, Guaifamas. Shaus, Uls, Dawson. Sana quite a shanchi parishai. Salwa, Winja Marwa. Machi, Sami Gartici Nafa. Winjayi. 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 इनको देखकर थोड़ी थोड़ी फीलिंग वकांडा वाली नहीं आई, वकांडा फॉरएवर। तो रूस की जमीन के लिए अब जंग की शुरुआत हो गई है, इसलिए और भी लोगों को विंजा में लाकर ज्वाइन करवाना होगा। तुदम के लोगों को मार के जब टकार गांव वापस आया तो साइला काफी अपसेट थी, क्योंकि इतने इतने वेंजा के लोग मर गए थे। और वो टकार से पूछने लगी कि तुमने इनके लीडर उल को मारा क्या? तो टकार ने बताया कि उनके कैंप को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और बहुत सारे उदम वॉरियर्स को मारा है, लेकिन उल अभी भी जिंदा है। तो साइला चिल्लाने लगी कि इतने इतने वेंजा के लोग मर गए और उल अभी भी जिंदा है, और वो भाग गया होगा नॉर्थ की तरफ। और उसने रोते हुए टकार को बोला कि उल के मरने के बाद ना मुझे उसका कान चाहिए, क्योंकि ये उल जब तक मर नहीं ना जाता कोई भी वेंजा सेफ नहीं है। तो टकार ने उसको समझाया कि देखो उदम के भी आज बहुत लोग मरे और वेंजा के लोग अभी भी जिंदा है, हम अभी भी जिंदा है, तो हम सब मिलकर फाइट करेंगे और उल को ना जल्दी मेरी ब्लेड काट के रख देगी। और बहुत सारे वेंजा की यूनिक स्किल वाले लोग हैं, उनको मैप में ढूंढकर इस गांव में लेकर आना है। अच्छा अच्छा, गांव के बाहर ये जो तीन लोग दिख रहे ना, जायमा द हंटर, ये सारे अलग अलग स्किल के लोग हैं, और इन सब की अब डिफिकल्टी मीडियम हो गई है। याद है स्टार्टिंग के मिशन की डिफिकल्टी इजी थी, तो जैसा हम जान ही रहे थे कि जैसे जैसे ये कहानी आगे जाएगी ना, स्टोरी की डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी। अच्छा ही है। अच्छा, दो मेन ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, एक साइला से बात करना है और टेंसे बाबा के पास भी कुछ है, तो उनके पास चलते हैं। उनका मिशन मुझे अच्छा लगता है, वो अजीब अजीब मिशन करवाते हैं और कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। तो इनकी झोपड़ी में जाना है और एक खून का प्याला भी है, तो इसको बाद में देखते, पहले झोपड़ी में जाते हैं। तो इनका कहना है कि 20 मास्टर टकार तुम्हारी आत्मा, अरे बाप रे, फाकुए उदांबी उपाफी। उदाम फाकुए हा आलिया पास्ता उदाम फाकुए Aya, basta. मैं क्या बोल रहा था कि इनका मिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और कुछ मजेदार देखने मिलेगा अपने को। ये क्या, विजन ऑफ आइस। तो टेंसे ने टकार को देखते के साथ बोला कि बीस मास्टर अंदर आओ, और मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारी आत्मा तड़प रही है एक और विजन देखने के लिए। और इन्होंने किसी उदम योद्धा की आंखें मिलाकर पिलाई है ताकि उसकी आंखों से टकार देख सके। चलती उदम मार्श
अच्छा ये सारे उद्धम के लोग हैं और ठंड से इनकी हालत खराब है, टकार ये देख रहा है। My clapper. तो ये आदमी मूर्ति को टच करने मना कर रहा था टकार को, लेकिन टच कर लिया मैंने। ये क्या मिला है मुझे? ये कांटे से लगा हुआ डंडा, इसका करना क्या है? तो जो मूर्ति नहीं थी पत्थर की औरत की, उसे मुझे ढूंढना है, ठीक है? अरे सब ये क्या था? बाकी सब एक एक बार में ये लोग के तो मतलब पत्थर बन जा रहे हैं। ये कैसा हथियार मिल गया मुझे? इनको जैसे ही मैं मार रहा हूँ ना, ये बर्फ बन के टूट जा रहे हैं। और मेरी हेल्थ देख रहे हो कितनी ज्यादा हो गई है। भाई गेम के एंड तक इतना ही पावरफुल बन जाऊं तब ना मजा आए। कुछ करना ही नहीं इनको, बस डंडा फेंक फेंक मारते रहो, ये लोग ऐसे ही मरे आएंगे। ओके, तो ये एक हिट में नहीं मरा। अच्छा तीन चार हिट करना पड़ेगा इसको। तो वो जो मूर्ति थी वो दिखी क्या? दिख तो नहीं रही, इन आदमियों की तो बैंड बजी गई। ये सारे उद्धम वॉरियर्स हैं। उद्धम भाग मार संख्या। नाशाश कुहानी आस्तान छिछलाओ। उद्धम वॉरियर्स मूर्ति से प्रे करते हैं कि इनकी ठंड दूर हो जाए, लेकिन वो सुनती नहीं है। मुझे स्टैचू को फॉलो करते रहना है, ठीक है? अच्छा अच्छा ये फॉलो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये बर्फ के टुकड़े भी आ रहे हैं रास्ते में, तो उनसे भी बचते हुए जाना है। क्या मतलब है ये अभी कुछ समझ में आ रहा है? लास्ट विजन जब हमने देखा था तो जानवरों को काबू करना सीख लिया था। अभी इस विजन के बाद क्या होगा? मेरे पास ऐसी कोई जादुई पावर आ जाएगी क्या? जब पीछे जो वॉरियर्स थे वो गायब हो गए, ठीक है फॉलो करते रहना अभी भी। और अब बर्फ के टुकड़े आने बंद हो गए, यानी कि अब कुछ और होने वाला है। अच्छा यहाँ पे जितने भी बर्फ थे वो सारे उद्धम वॉरियर्स थे और वो अब फिर से वॉरियर बन गया है, ठीक है फिर से इनको बर्फ बना के मार देते हैं क्या है? अच्छा ये जितने भी तगड़े वाले थे ना वो बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं। नहीं जब मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी फिर से वापस आ गई, क्योंकि ये सपना है तो हेल्थ खत्म नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है।
मुझे बस ये जानना है कि इस विजन के दौरान भी मर सकता है क्या टकर? अच्छा, सारे उद्धव वॉरियर्स को मार दिया है, अब इसके ऊपर फेंकना है। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये टकार ने बोला कि हम मरते क्यों हैं? ठीक है, मतलब ये टकार ने बोला या फिर मूर्ति ने टकार को बोला, ये मुझे अच्छे से आवाज उसकी समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, ये विजन का लेकिन मतलब क्या था ये टेन से ही बता सकते हैं। वाइफ ता Bab, Bafetal. Pal, Palhu, Udam, Fakwe. Shunta, Daba, Dabu. Galaita, Udam, Pacham. Shrash, Shrash. Yagisu, Sarta. Swarga. Marmari. Makwadi, Udam, Shashquan, Isla. Udam, masuk ni apacam. Udar pelah aguar peti. तो जब टकार को होश आया तो टेन से बोल रहे थे कि ओ तुम जिंदा बच गए ये ड्रिंक पीने के बाद। हाँ नहीं, मतलब आपने तो इंतजाम कर ही लिया था मारने का, लेकिन बच गया किसी तरह टकार। और जब इसको उल्टी होने लगी तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ड्रिंक काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि हो सकता है कि मैंने उदम की कुछ ज्यादा ही आंखें डाल दी थी इस ड्रिंक में, या फिर ये भी हो सकता है कि आंखें थोड़ी कम पड़ गई थी इस ड्रिंक में। और टकार इनको बताने लगे कि मैंने विजन में ना बर्फ में जमे हुए उदम वॉरियर्स को देखा है। तो टेन से बोलने लगे कि हाँ बर्फ में फंसे हुए हैं, बीमार हैं, मर रहे हैं, पर फिर भी ये उदम के लोग उस स्टैचू को बचाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये उद्यम के बारे में और भी हम लोग पता करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कहानी जैसे आगे बढ़ती रहेगी तब। और यहाँ पर ये जो खून का प्याला रखा हुआ है, इसको देखा जाए इसमें क्या है। तकारे सुना मिशायु आलुते फादता बाल बाल पफिताल उरुसु क्वाय क्वा श्राब शायु नावा Sadadav, Saif, Nabasu Hayayata, Shunta, Gwar Buhata. Nai, Tiyi Balbal. Miyi Pafitaldav, Kwai Balbal, Tursa Bashmas. तो टेन से बता रहे थे कि ये जो ड्रिंक है ये उरुस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रिंक है, और ये मना कर रहे थे पीने। तिशायु सक्वा तकार मा आइस पफिता नता सालवा मकम। तो टकार को थोड़ा सा ईगो पे लग गया, इसको लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, और इसलिए इसने बोला कि लाइए मैं ड्रिंक पीता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो इन्होंने बोला कि ठीक है ड्रिंक तो पी लोगे तुम टकार, और तुम्हारा दिल कर रहा है तो पी लो, लेकिन अगर एक बार तुम पी लेते हो उसके बाद फिर मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और इन्होंने ये बोला था कि इसको पीने के बाद या तो तुम बादल में नाचोगे या फिर कोई बीस बन जाओगे, पता नहीं। तो ये मत बोलना कि टकार की आत्मा इस मेहमत के अंदर चली गई और मुझे मेहमत बना दिया गया है। आई थिंक के मुझे मेहमत बना दिया गया, मजा आने वाला है भाई साहब। ड्यूअल ऑफ बीस्ट नाम है इस मिशन का, इसमें करना क्या है तो मुझे मेहमत को जो मार रहे हैं लोग उनको ढूंढना है, फाइंड द मेहमत किलर्स, और मैं मेहमत बना हूं। भाई ये गेम तो कुछ नेक्स्ट ही वाले यार। तो ये राइनो की आत्मा है, मतलब इस गेंडे से फाइट करना है मुझे। तो इस एरिया में मैमथ्स को ये राइनो मार रहे हैं, अच्छा, और इनको ढूंढ के मुझे मारना है। एक मिनट, ये लड़ते लड़ते राइनो की आत्मा भागने क्यों लगी? अरे वो भगोड़े आत्मा है तो मतलब ऐसे उड़ के चला जाएगा, चीटिंग कर रहा है। मैंने देख लिया कि तूने बर्फ का रास्ता तोड़ दिया ताकि मैं चलूं और नीचे गिर जाऊं, मामू समझा क्या? ये क्या ऑब्जेक्टिव आ गया है? एरिया में जितने राइनोज हैं उनको मारना है। अच्छा, ये आत्मा ऊपर जाके बैठी हुई और उसने ये राइनोज को भेजा है।
ठीक है इनको मारना है पहले। की आत्मा नीचे आ जाना, तेरे को मार के गेम खत्म करूंगा। मतलब ये जो भी मिशन चल रहा है, अरे ये आगे भाग गया। अजीब आत्मा भी भगोड़ी हो जाती है क्या? अजीब आत्मा है, चिल्लाते रहेगा या नीचे भी आएगा? ओके ओके, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि राइनोस को जो एरिया में उनको मारना है। कोई तो मुझे दिख ही दे रहा है, मारू किसको? अपने आप को? कोई राइनो दिखा क्या? अजीब डरपोक आत्मा है भाई। अच्छा राइनोस आ गए। ये पता है मुझे अभी Far Cry गेम कम और Ice Age गेम ज्यादा लग रहा है। Ice Age वाला एनिमेशन आपने देखा है ना? आई थिंक कि देखा ही होगा ज्यादातर लोगों ने। सोचा नहीं था कि आत्मा भी अपने लिए गुंडे भेजेगी यार। ये देखो पत्थर वत्थर पे, अरे आत्मा कितना डरेगा। ये देखो अभी भी ऊपर बैठा रहेगा, आएगा नहीं। मेरी हेल्थ फुल होने दो, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। तो इससे अभी फाइट नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कि इसकी आत्मा को फॉलो करना है। पता नहीं कहां लेके जा रही है। हाँ मैं जान ही रहा था यहाँ पर और राइनोस आएंगे, उनको मारना है। बताओ अभी गेम शुरू हुआ और ऐसा ऐसा चीज देखने मिल रहा है, आगे और क्या क्या देखने मिलेगा भाई? दूसरी दुनिया में चले जाएंगे क्या हम लोग? कुछ भी हो सकता है। घेर के ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी दूरी बनाओ, हेल्थ जैसी रिगेन होगी। इन पे हमला जारी फिर से। राइनो की आत्मा, तेरे पास कोई काम दम नहीं है? अपने गुंडे राइनो भेजे जा रहा है बार बार। अरे रे फाइनली, इसी का तो इंतजार था। राइनो की आत्मा नीचे आ गई, मेरी हेल्थ बस रिगेन हो ही रही है।
अच्छा इससे सामने सामने टक्कर देने में मेरा भी नुकसान हो रहा है ना, लेकिन मजा आ रहा है सामने सामने टक्कर करते हुए देखकर। बस बस मेरी हेल्थ फुल हो गई है और ये ऑलमोस्ट मरने वाला है, कहाँ गया? तो टेंशन सही बोला नहीं, ये ड्रिंक काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन टकार भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं है। राइनो की आत्मा को मार दिया मैमथ के अंदर जाकर। वैसे ये बोलना ठीक नहीं है, आत्मा को लेकिन कैसे मार सकते हैं? तो टकार ने ये ड्रिंक पीने के बाद मैमथ्स की मदद की और अब वो लोग सेफ है। ठीक है, ड्यूअल ऑफ द बीस्ट कंप्लीट हो गया है, टेंसेस से बात करते हैं। पता है ये फार क्राई बाकी सब फार क्राई से बहुत ज्यादा अलग है। मैंने एक दो खेला है जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं था, दूर दूर तक ऐसा नहीं था। ये साफ पता चल रहा है कि यूबीसॉफ्ट ने ना इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है। अच्छा भालू ये सब को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन अभी तक वो स्किल लेने का ऑप्शन नहीं आया है। अच्छा यहाँ पर ड्रिंक रखी हुई है जिसको पीना है लेकिन अभी नहीं पीते हैं, फिर पता नहीं क्या देखने मिलेगा। पर मानते हो कि नहीं, ये टेंसे का मिशन बहुत अच्छा अच्छा रहता है। तो अभी बात करना है साइलस से, आई थिंक साइलस से बात करना है, बात करते हैं इससे। Markaka, Brashtar, Takar, Winja Wantar, Shaskau Himshalla, Masi Waichai Hatra Wana, Palhu Sashwalim Huhaya, Ukauhi Waida, Tu Sasakui. अच्छा साइलन ने बताया ना कि वेंजा का एक हंटर बोन केव में गया था गांव के लिए खाना कलेक्ट करने के लिए, पर वो बहुत दिनों से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तो उस गुफा को ढूंढना है और उस आदमी को बचाना है, तो ये भी एक मिशन है। ठीक है, अरे अरे एक दिन में सब कुछ देख लेना है क्या? तो फेल आर्मी आज का एपिसोड बस यही तक और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कल। तो जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, 7K लाइक्स कल होने से पहले कंप्लीट कर दो और उसके बाद दो एपिसोड जैसे टाइम पे है ना कल तीसरा एपिसोड भी बिल्कुल टाइम पे आ जाएगा। तो फ्री का लाइक होता है कर दो, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। और भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। चलो मैं मिलता हूं आप लोगों से कल, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।